अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं 1.1 को सोल्यूशन उपलब्ध करवाऊंगा, साथ ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज मेरे पेन टैब का मैंने पेन टैब खरीदा, वो पहला दिन है, तो उसी के माध्यम से समझाऊंगा। तो थोड़ा सा अगर राइटिंग मान लीजिए इधर उधर होती है तो आप कंप्रोमाइज करिएगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए ये देख, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, और क्यू बराबर क्या है? नॉट जीरो, है ना? यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या है ये पूछ रहा है ना, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोग देख पाए अच्छे से, है ना? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, कि जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां पी और क्यू क्या है? पी व क्यू पूर्णांक है ना? जहां पी और क्यू पूर्णांक है ना, तथा क्यू बराबर नॉट जीरो। यही ना पढ़े हम लोग? यहां मैं पी बटे क्यू की जगह एक्स बटे वाई या ए पॉन बी भी लिख सकता था, है ना? लेकिन मेन जरूरी क्या था मुझे लिखना, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, ये सबसे अधिक जरूरी क्या है, ये लिखना। पी और क्यू पूर्णांक, ए बटे बी लिखता तो जहाँ ए और बी पूर्णांक है, और जो डिनोमिनेटर मतलब हर हमारा होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर हमारा जीरो हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए वन अपान क्या लिखा हुआ है? जीरो। तो मैं वन को अगर जीरो से डिवाइड करूँ तो क्या कभी आ पाएगा? वन, मान लीजिए वन ही लिखता हूँ तो जीरो वन या जीरो, मतलब कुछ भी लिखूँ तो ये वन कभी नहीं आएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो देखिए, है ना, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। और फिर एक चीज और आ रही, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है आपको ये भी समझना जरूरी है ना। यहाँ पे पूर्णांक होता है कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए जो नंबर लाइन में नॉन डेसिमल कोई भी संख्या हो, नॉन डेसिमल मतलब बिना दशमलव वाली, है ना? जैसे 0 1 2, मान लीजिए नंबर लाइन है 3 4, है ना? इधर -1, ऐसे ही ना नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, -1 -2 -3, है ना? ये चलती जाएगी। तो मतलब मेरा कहने का, बिना दशमलव कोई भी संख्या, चाहे 201 201 हो, चाहे 210 हो, है ना, चाहे -210 हो, चाहे -510 हो, बिना दशमलव वाली संख्या है ना। अगर मैं 5.5 लिख दूँ तो 5.5, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं, ये पूर्णांक नहीं कहलाएगी, है ना? कि परिमेय संख्या तो होगी लेकिन पूर्णांक नहीं होगी। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो बिना दशमलव वाली होती है ना, कोई भी संख्या बिना दशमलव वाली, जैसे लिखा हुआ है 2000, तो ये भी क्या है? पूर्णांक है। -2000, ये भी क्या है? पूर्णांक है। मतलब कोई भी बिना दशमलव वाली संख्या जो है वो क्या होगी? पूर्णांक होती है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसको मैं मिटा दूं एक सेकंड के लिए। हाँ, अब देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नॉट जीरो। ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाती है ना। तो देखिए, परिमेय संख्या होने के क्या होते हैं? परिमेय संख्या कब कहलाती है? जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, है ना, और पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, क्यू बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है? जीरो।
जीरो को ही बोला ना है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो जीरो को मैं 0/1 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताएं, क्योंकि 1 0 जब मैं करूंगा तो जीरो ही ना आएगा, 1 0 0, मतलब जीरो को मैं परिमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। किसी भी संख्या में मैं एक का गुणा या एक का भाग दूंगा तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या बोला मैंने कि किसी भी संख्या में मैं एक का गुणा करूं या एक का भाग करूं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, तो 5 को मैं 5/1 के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 5 जा 5 ही होता है ना। तो अब देखिए 0/1 के रूप में मैंने लिख दिया, ये पी बटे क्यू के रूप में हो गई कि नहीं हो गई ना। अब पी बराबर क्या है, 0 है, क्यू बराबर क्या है, 1 है, मीन्स कि पी बराबर क्या है, 0 है, क्यू बराबर 1 है ना। पी बराबर 0 भी एक 0 पूर्णांक होता है ना, 0 भी एक पूर्णांक है ना, और क्यू बराबर 1 भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, 0 0 पूर्णांक ना, तो ऋणात्मक होता 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है, 0 ही होता है ना, 0 पूर्णांक कहलाता है, अलग ही है। तो पी और क्यू पूर्णांक है कि नहीं, और क्यू बराबर नॉट 0 है, क्योंकि क्यू बराबर 1 है, यहाँ पे क्यू बराबर 1 है, तो मतलब क्यू बराबर नॉट 0। तो परिमेय संख्या की यही तो परिभाषा होती है, जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू बराबर नॉट 0, ये परिभाषा को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है ना डिफिनेशन को, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ ये ऐसे आप लिख देंगे फिर नीचे लिख देंगे कि अतः 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जहाँ पी बराबर 0 क्यू बराबर 1 क्या है, पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर नॉट 0 है ना, ये आप लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, है ना। अगर मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में आपको समझने में कुछ दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमें फाइंड करनी है ना। तो देखिए परिमेय संख्या तो पता चल गया आपको क्या होती है, अगर किसी नंबर की 6 परिमेय संख्या पूछा, कितनी 6, तो आप लोग क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या अगर आप लोग पूछते हैं तो आप 7 से गुणा करेंगे। देखिए आप लोग लिख देंगे 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3 बराबर 6 अगर बोल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 3 × 7/7। ऊपर नीचे 7 7 से क्यों गुणा मैं कर रहा हूँ, अगर 8 पूछता तो मैं किससे करता, 9 से करता, 10 पूछता तो मैं किससे करता, 11 से करता, 12 पूछता तो मैं 13 से करता, ऐसे ही 20 परिमेय संख्या पूछता तो 21 से करता, एक जगह निकल आएंगे, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 6 परिमेय संख्या पूछा है और मैं किससे गुणा कर दूं, 12 से कर दूं, तो भी सही होगा मेरा, बस ये है कि परिमेय संख्या हमारी 12 निकल आएंगी, है ना, तब भी सही होगा हमारा। तो आइए देखते हैं, अगर एग्जैक्ट निकालना है हमें, तो हमें 6 पूछा है तो 7 से, 8 पूछ रहा है तो 9 से, नॉर्मल ऐसे ही कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो देखिए 3 × 7/7, ऊपर और नीचे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी मेन वैल्यू होती है, मेन वैल्यू मतलब जो रियल मान मेरा होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3 है ना, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमारा वही रहना चाहिए, जैसे 7 1 7 7 7 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब एक ही बचेगा, तो क्या चेंज हो रहा है, नहीं होगा, इसीलिए मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ करूँगा, है ना। तो 7 3 क्या हो जाएगी, 3 × 7/7, 7 3 कितना हो जाएगा, 21/7, ये हो गया। अब फिर 4 बोला है ना, तो ऐसे ही सेम 4 के साथ 4 × 7/7 क्या हो जाएगा, 4 7 28/7 है ना, 4 7 28/7 ये हो जाएगा। अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच की कौन कौन संख्या आ रही है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 है ना, ये सब आएंगे ना, तो इनको हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, अतः 3 व 4 के बीच, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7,
27 बटे 7, क्योंकि 28 बटे 7 ऑलरेडी है, 21 बटे 7 भी है, इसलिए इसके बीच की ही संख्याएं बचती हैं, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा आशा है, नहीं आया तो आप लोग दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। एक मिनट, देखिए 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमें याद करनी है ना, 3/5 व 4/5 के बीच। तो सेम उसी तरह करेंगे, है ना। एक मिनट में पेन टैब पेन को ओके कर लूं। हाँ देखिए, हल 3/5 व 4/5 के बीच, तो क्या करेंगे हम लोग, सेम उसी तरह आप लोग लिख देंगे 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या करके फिर आप ये नीचे लिखना चालू करेंगे। 3/5 बराबर 3/5 गुणे 5 पूछा है ना, तो किससे किससे गुणा करेंगे, 6 से 6 18 और 5 छक्का 30, है ना, ये हो जाएगा। और 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 गुणे 6/6, क्योंकि 5 पूछ रहा है, 5 पूछेगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 6 से, 4 6 24 और 5 6 30, है ना। अब 18/30 व 24/30 के बीच एग्जैक्ट 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल जाएंगी, 19/30 और 20/30 21/30 22/30 23/30, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 19/30 20/30 21/30 22/30 30/30 24/30 ऑलरेडी है ना, तो ये 5 हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ लेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं कि असत्य है ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या अगर बोल रहा है तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है ना, ये एक नंबर लाइन है जिसमें कि क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 चलती जा रही संख्या है ना इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 ये भी चलती जा रही इनफाइनाइट तक, है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है यहाँ से लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर, है ना, जो बिना दशमलव वाले नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर, है ना, या फिर नेचुरल नंबर। 1 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या कहलाते हैं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, है ना, दशमलव वाली नहीं, जैसे 1.5 ये नहीं कहलाएगी, है ना, प्राकृतिक संख्या। फिर देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, क्योंकि बोला है ना प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं, 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, है ना, होल नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया, NUMBER। अब देखिए तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये देखिए ये प्राकृतिक संख्या है 1, क्या ये पूर्ण संख्या भी है, हाँ है, क्योंकि 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट हो रही है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है। 2 प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, मतलब 3 प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है, मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या आप देख रहे हैं पूर्ण संख्या है ना।
तो आप क्या बोलेंगे, हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुई, प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से इसी में ना आ रहा है ये, देखिए पूर्ण संख्या में ही ना आ रहा है प्राकृतिक संख्या, बस इसमें पूर्ण संख्या में क्या है, 0 एक और एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो आप लिख देंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। अगर ये पूछ लेता आपसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप क्या लिखते, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0, देखिए ये 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या है, नहीं है, है ना। आप लोग इसको दोबारा सुनेंगे, अगर नहीं समझ आता तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमारे हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी संख्या जो क्या है, ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, है ना, -1 -2 -3, कोई भी संख्या जो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0, इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, बिना दशमलव वाले, है ना। ये कोई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ये यहाँ तक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, और इधर पूर्ण संख्या, तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिना दशमलव वाली संख्या, जैसे 2000, 3000, 3150, 2250, 2340, कोई भी संख्या है ना, ये पूर्णांक होगी, या माइनस लग गया तब भी पूर्णांक। मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे 1.5, 2.5, 2.2, 2.5, मतलब दशमलव ना रहे, बस दशमलव अगर लग गया तो क्या होगी, वो पूर्णांक नहीं होगी, है ना। बिना दशमलव की चाहे जो संख्या हो, है ना, इनफाइनाइट तक की, वो क्या होती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है ना। तो अब देखिए क्या है हमारे क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में है, बोल रहा है हमको, एक मिनट मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना, ये बोल रहा है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है, कोई भी हो सकती है, ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या ना, सॉरी इसको भी मिटा दिया था जबकि इसका काम था हमें, -1 -2 -3 1 2 3, कोरी चलती जाएगी। तो प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गई, तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या तो यहाँ से स्टार्ट होती है ना, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होती है ना, 0 से, ये ना पूर्ण संख्या है ना, है कि नहीं ये पूर्ण संख्या। तो देखिए अगर ये पूर्ण संख्या है, तो बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक, या -3 भी ना पूर्णांक है, -2 भी ना पूर्णांक है, बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या -3 पूर्णांक है तो पूर्ण संख्या है, नहीं है, -2 तो एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है ना, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में ही आ रहा है ना, ये पूरा पूर्णांक कहलाएगा, है ना। तो ये पूर्ण संख्या इसी में ना आ रहा है, ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाएंगे, जबकि पूर्णांक में निगेटिव नंबर साथ में और रहता है, मतलब ये ज्यादा हो गया नंबर, तो क्या होगी, ये प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या असत्य है ना, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होगी, है ना। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, जैसे 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और ये एक पूर्णांक भी है, 0 इंटीजर है ना, इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं, है ना, किसमें, इंग्लिश में, जैसे 1 1 एक पूर्ण संख्या है, और 1 पूर्णांक भी है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 पूर्णांक भी है, 2 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 पूर्णांक भी है, मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक, जैसे -2 एक पूर्णांक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है,
पूर्ण संख्या नहीं है ना, जिसे माइनस तीन क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है ना, ये क्वेश्चन है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके, जहां जहां पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, जहां पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू बराबर क्या हो, नॉट जीरो हो। जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू बराबर नॉट जीरो हो, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो देखिए अगर प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक तो ये है, मान लीजिए 1.5 एक परिमेय संख्या तो है, क्यों, क्योंकि 1.5 को मैं 1.5 गुणे 10 अगर ऊपर नीचे करूं तो क्या हो जाएगा, 15/10 हो जाएगा, 5 × 15 मतलब ये देखिए पी बटे क्यू के रूप में हो गई 1.5 ना, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या एक पूर्णांक है, दशमलव वाली संख्या कोई भी संख्या क्या पूर्णांक होती है, मैंने आपको क्या बताया दशमलव के अलावा की संख्या क्या होती है, दशमलव वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती, बिना दशमलव की संख्याएं पूर्णांक होती है, ये ना बताया हूँ। तो 1 - 1.5 क्या है, एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, है ना। तो अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे समझ में कम आ रहा है, तो मैंने एक लेक्चर आपको पहले से प्रोवाइड करा है, क्लास 10th या क्लास 9th के नाम से, इंट्रोडक्शन नाम से है, वो आप देख लेंगे तो आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सब के बारे में वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, जैसा भी होगा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, है ना, समझाने में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं, जैसे कि 1.5 एक क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, या फिर 3/2 ही ले लें, 1/5 ही ले लें, 6/5 ले लें, ये सब परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, लेकिन क्या पूर्णांक है, बटे की संख्याएं थोड़ी पूर्णांक होती है, नहीं होती हैं, है ना, सिर्फ 1 या -1 या 0, 2, -2, 0 इस तरह की संख्याएं हो सकती है ना, -22 या -30, -35 है ना, ये सब पूर्णांक, बिना दशमलव वाली संख्याएं, या फिर 35, ये सब पूर्णांक होती हैं, है ना। तो देख आपको, तो ठीक है, आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई भी अगर सुझाव है तो आप हमें इस नंबर पे दे सकते हैं ना, या कोई भी डाउट है तो हमारा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, 7987863565 है ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आप लोग डाउट हो या कोई दिक्कत आती है तो आप सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।